आप अगर क्रूजर बाइक के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इटली की एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बैनली ने भारत में अपनी 502 सी क्रूजर बाइक लॉन्च कर दी है। ये बाइक एक स्पोर्ट क्रूजर बाइक है, तो आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या खास है इस बाइक में। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे न चुके। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका इंजन की। बैनली 502 मोटरसाइकिल QJSRV500 का रिवेज वर्जन है, जिसे पिछले साल टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। 502 सी क्रूजर बाइक में वही डिजाइन और स्टाइलिंग पैकेज मिलता है, और समान 500 सी पैरेलल ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 8500 आरपीएम पर 47.5 bhp का पावर और 6000 आरपीएम पर 46 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-speed गियरबॉक्स भी दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर लो स्लॉन्ग हेडलाइट, ट्विन पॉड एग्जस्ट कनिस्टर, 21.5 लीटर फ्यूल टैंक, स्टेप अप सैडल और रियर फेंडर माउंटेड नंबर प्लेट शामिल है। वही इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ फुल LED लाइटिंग मिलेगी। स्टाइल के लिहाज से 502 सी को थोड़ा कम और लंबा पावर क्रूजर स्टंट मिलता है, जो कि डुकाटी डायवल के बहुत करीब लगता है। इसके डिजाइन की प्रमुख हेडलाइट में एक VPUSD फोक्स, एक्सपोज ट्रॉलिक्स फ्रेम और ट्वीन बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल है। ब्रेकिंग और सस्पेंस की बात करें तो इसमें अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स और एक रियर मोनोशॉक दिया गया है। बाइक के फ्रंट व्हील पर ट्विन डिस्क और पीछे एक सिंगल रोटर मिलता है। बैनली के नए क्रूजर के अन्य मुख्य आकर्षण में इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेड बैक राइडिंग एर्गोनोमिक्स और एडजस्टेबल क्लच शामिल है। बाइक में 21 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो लंबी यात्रा में काफी सहायक होगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में 1600 mm का लंबा व्हील बेस मिलता है, जिससे हाईवे में सफर के दौरान इसमें बेहतर स्थिरता मिलने की संभावना है। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, जो सभी मानकों में सबसे अच्छा माना जा सकता है। बाइक में आगे और पीछे दोनों तरफ 17 inch का एलो हिल मिलता है, जो पिरेली एंजल GT टायर के साथ आते हैं। बाइक में सिक्योरिटी किट में एक डुअल चैनल ABS यूनिट भी शामिल होगा। इस बाइक में फुल LED लाइटिंग, एक फ्री फ्लोटिंग सीट, डुअल बैरल एग्जॉस्ट सेटअप और चंकी फ्रंट सस्पेंस के साथ आती है। इस बाइक को दो कलर ऑप्शन के साथ पेश की गई है, इसमें एक मैट ब्लैक है और दूसरा है मैट कनेक रेड रंग शामिल है। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो इस बाइक की जो भारतीय बाजार में एक्स शोरूम प्राइस होगी वो 4.98 lakhs रुपए रखी गई है, मतलब 5 lakh के आसपास है। और अगर इस बाइक को अपने ही 500 cc सेगमेंट का दूसरा बाइक के साथ कंपेयर करेंगे, लाइक TRK 502 और लियोनसिनो 500 से कंपेयर करेंगे, तो इसकी जो प्राइस है वो 40,000 रुपया, उससे ज्यादा प्राइस है। अब बात करते हैं इसकी कंपटीटर। तो इसका कंपटीटर की अगर बात करें तो इसकी सीधी टक्कर कावासाकी वुल्कान एस और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर INT650 जैसी मोटरसाइकिल के साथ हो सकती है। तो आप अगर एक स्पोर्ट्स क्रूजर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 5 lakh के आसपास है, तो ये बाइक आपके लिए एक परफेक्ट साबित हो सकती है। तो आपको अगर ये बाइक पसंद है और आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो बाइक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप 10,000 रुपये की राशि दे के इसको बुक करा सकते हैं। साथ ही कंपनी का डीलरशिप पे जाके भी आप इसको 10,000 रुपया दे के बुकिंग करा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।